हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग कोर्स। गाइस, इस पार्ट में हम लोग इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम लोग जो पिछले पार्ट में बनाए थे, जो स्ट्रक्चर बनाए थे, उसके अंदर हम लोगों ने मेनू बार ऐड नहीं किए थे और ये दो चीज़ें हम लोग ऐड नहीं किए थे। बट इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे मेनू बार ऐड करेंगे, वो लिंक के साथ ऐड करेंगे। यहाँ पे हेडर सेक्शन पर हम लोगों का साइट की नेम ऐड करेंगे। फुटर सेक्शन में फुटर क्रेडिट यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे कंटेंट वगैरह ऐड करेंगे, एड्स वगैरह, सारी की सारी चीज़ें अभी ऐड करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग कोडिंग करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बता दूँ आपको, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको भी पता होगा। और उसके साथ मैंने ये जो CSS की जो पार्ट है, जो हम लोग पिछले वीडियो में यूज़ कर रहे थे, वही सेम जो कि CSS को मैं यहाँ पे CSS फाइल को मैं यहाँ पे लिंक करा हूँ। उसके अंदर जो कि फाइल है, जो भी फाइल है, हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, कुछ कुछ फाइल ज़रूरत पड़ेगी और कुछ बहुत सारे फाइल हमको नए भी बनाना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को यहाँ पे कितनी ज़रूरत पड़ेगी, डीप ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे देखो, ये एक रहा 1 deep 2 3 4 5, हम 5 deep यूज़ करते हैं और हो सके आप तो 4 deep में भी ये कर सकते हो, मगर आपको बेटर होगा 5 deep अगर यूज़ करते हो तो आपको बेटर हो जाएगी। ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे और पहले एक डीप क्रिएट करते हैं। ओके, और इस डिव, ये रहा मैं हमारा मेन डिव रहा, और उस डिव के अंदर हम लोग और भी 5 deep ऐड करेंगे। 3 5 deep हम लोगों ने ऐड करा। ओके, और ये जो पहला वाला डिव है, यहाँ पे लाके मैं खत्म करता हूँ उसे। ओके, और ये पहली वाला जो डिव होती है ना, उसके अंदर मैं पहले क्लास को ऐड करता हूँ, जो कि हमारे पास है div1 करके एक है CSS फाइल, यहाँ पे है। तो मैं उसे यहाँ पे ऐड करता हूँ, सेव करा मैंने। और इसके अंदर हम लोग अभी ऐड करेंगे क्या, हमारे जो वेबसाइट की नेम है। ओके, मैंने ऐड किया, और ये डिव के अंदर हम लोग और एक CSS फाइल ऐड करेंगे, इस हेड सेक्शन की CSS फाइल को। ओके, यहाँ पे क्लास ऐड करा मैंने और हेड। ओके, अभी देखो, सेव करा मैंने और अभी आउटपुट देखो, ये है उसकी आउटपुट। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेन पार्ट रहा ना, ये पार्ट को हम लोग, मतलब ये जो bloggingbudi.com को यहाँ पे सेंटर में हम लोग लाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को भी कोडिंग करना पड़ेगा। ओके, तो उससे पहले हम लोग और भी जो फुटर एरिया है और सारी की सारी चीज़ें हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग अभी ऐड करेंगे क्या, वही सेम चीज़ें हम लोग ऐड करते जाएंगे, नेविगेशन बार। ओके, और यहाँ पे हमारे पास नेव बार में CSS हमने क्रिएट करी थी, क्लास क्रिएट करी थी, तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करते हैं। ओके, क्लास नेव करके हमारे पास था, मैंने ऐड करा। और एक यहाँ पे हम लोग, जो कि मैं ले देता हूँ F1, और ये F2 करके, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ फुटर, और यहाँ पे क्लास CLSS क्लास, और यहाँ से फुटर में ऐड कर रहा हूँ। सेव करा मैंने और अभी उसके आउटपुट देखेंगे। ये रही जो कि है हेडर सेक्शन, ये नेव बार, ये फुटर, और ये जो दो पार्ट यहाँ पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा, ये एक पार्ट रहा और ये एक पार्ट। ओके, ये दो पार्ट को हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम लोग
इन लोगों का काम पहले खत्म करते हैं, उसके बाद ये दोनों के पास आते हैं। ओके, तो फुटर फुटर एरिया में हम लोग अभी ऐड कर चुके हैं, और अभी हम लोग पहले नेव बार को ऐड करते हैं। ओके, नेव बार के लिए हम अभी ऐड करेंगे क्या, मैं बता दूं आपको। अगर आपको ड्रॉप डाउन मेनू की तरह कुछ चाहिए लिंक के साथ, तो आपको ऑन ऑर्डर लिस्ट पहले क्रिएट करना है। ओके, मतलब यूएल मैं आपको ऑलरेडी ये क्लास कर चुकी हूँ, यूएल की क्लास और एलआई की क्लास मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ आपके लिए। आप अगर अभी तक उसे रीड नहीं किए तो जाके देख सकते हो उसे। ओके, तो मैंने ऐड किया यूएल, और यूएल के बीच हम लोग ऐड करेंगे एलआई। ओके, और एलआई यहाँ पे मैं लिखा, और ए इसको हम लोग ऐड करते हैं, और उसके अंदर हम लोग अभी होम ऐड करते हैं। ओके, लिंक के साथ हम लोग ऐड करेंगे, तो इसके लिए हैश टैग जरूरी पड़ेगी। हगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, हो गया। इसी तरह हम लोग और चीज़ें भी ऐड करते चलेंगे। समय कॉपी करा, पेस्ट करा। ओके, चार बार हम लोगों ने ऐड करा, बट यहाँ पे जो है ना, हम लोग अभी ऐड करेंगे ये होम, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे अबाउट हम लोग ऐड करते हैं, अबाउट जो कि आपको हॉटस्टेक के अंदर लिखना पड़ेगा। ओके, और हम लोग अबाउट यूज किए यहाँ पे न्यूज। ओके, न्यूज ऐड किया मैंने, और एक चीज हम लोग ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट। ओके, ये हो गया हमारा, सारी की सारी चीजें हम लोगों ने अभी ऐड कर दिया। अब कॉन्टैक्ट हम लोगों ने सेव करा, और अभी उसकी आउटपुट आप लोग देखो, ये उसकी आउटपुट है। बट हम लोग बहुत सारी चीज़ हम लोग क्रिएट करेंगे क्या, सीएसएस के अंदर हम लोग ऐड करेंगे, और उसकी जो अलाइनमेंट वगैरह, उसकी टेक्स्ट की जो मतलब उस टेक्स्ट को हम लोग एक नए डिज़ाइन देंगे। ओके, उसके अंदर बहुत सारी चीज़, बैकग्राउंड कलर, पेडिंग, मार्जिन, वो सब ऐड करेंगे, तो ये अच्छी लुक हम लोग को मिल जाएगी। ओके, तो उसके लिए हम लोग अभी चलेंगे सीएसएस के अंदर, और यहीं पे हम लोग स्टार्ट करते हैं यूएल करके पहले। ओके, यूएल, और यूएल के अंदर हम लोग अभी लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। ओके, लिस्ट स्टाइल टाइप हम लोग ऐड करेंगे क्या, नॉन ऐड करेंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग मार्जिन, पेडिंग, वो सब चीज़ें ऐड करेंगे। मार्जिन हम लोग 0 पिक्सल ऐड करते हैं। ओके, और इसके बाद पेडिंग, पेडिंग हम लोग ऐड करते हैं वही सेम 0। और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे क्या, ओवरफ्लो, ये एक नया होता है आपके लिए, एक नई चीज़ है आपके लिए, तो ओवरफ्लो हम लोग अभी हिडन रखेंगे। ओके, उसके बाद बैकग्राउंड कलर भी यूज करेंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम लोग अभी ऐड करेंगे क्या, जो भी बैकग्राउंड कलर अगर यूज करना चाहोगे इजीली यूज कर सकते हो। हम लोग अगर कोड के साथ अगर हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे हर्ष यूज करते हैं। उसके बाद 333, मतलब ये ब्लैक और वाइट की कम्बिनेशन से ये हुई है, तो हम लोग इससे यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पे और एक चीज हम लोगों ने ऐड करेंगे, जो कि एल आई और ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे फ्लोट, FLOT, फ्लोट, फ्लोट को हम लोग रखेंगे लेफ्ट। ओके, और एक चीज़ हम लोग अभी ऐड करेंगे, ये आपके लिए भी नया होगा, ये होगा एल आई,
एक एटीएम में ऐड करना है। ओके, और ब्रेकेट स्टार्ट, और उसके अंदर हम लोग ब्रेकेट के अंदर डिस्प्ले ऐड करेंगे। ओके, डिस्प्ले, और डिस्प्ले हम लोग रखते हैं ब्लॉक, क्या रखेंगे, ब्लॉक। ओके, और उसके बाद हम लोग कॉलर उसका ऐड करेंगे। कॉलर हम लोग रखते हैं फाइट, और उसकी टेक्स्ट अलाइन भी ऐड करेंगे। ओके, टेक्स्ट अलाइन ऐड करते हैं जो कि सेंटर में हम लोग ऐड करेंगे। ओके, सेंटर ऐड करते हैं, और पैडिंग, पैडिंग, पैडिंग हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं 14 पिक्सल। ओके, और एक हम लोग ऐड करेंगे क्या, 16 पिक्सल हो गया। और एक चीज़ हम लोग ऐड करेंगे क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग ऐड करेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि हम लोग को नॉन रहने देना पड़ेगा। ओके, और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे li a करके। ओके, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे अभी ब्रेकर स्टार्ट हवर, मैंने आपको हवर के बारे में भी बताया था। ओके, ये ऐड करा मैंने। हवर, और उसके बाद हम लोग और एक चीज ऐड करेंगे, उसकी बैकग्राउंड कलर। ओके, उसकी बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने ऐड किया, क्या रखेंगे उसकी बैकग्राउंड कलर, एक लिंक के थ्रू हम लोग ऐड करते हैं। ओके, तो बैकग्राउंड कलर हम लोग अभी ऐड करेंगे H111। ओके, ऐड करा हम लोगों ने, और उसे सेव करते हैं अभी। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे ये रहा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे। और ओके, सेव करा मैंने, अभी हम उसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑल्ट एल वर्क प्रेस करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आउटपुट के अंदर आपको ले आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, अबाउट इस तरह से ऐड किए थे। ओके, और यहाँ पे लिंक के थ्रू भी ये काम कर रहा है, लिंक जैसा काम कर रहा है। ओके ओके, ये होता है हमारा जो नेवर है ना। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, हम लोगों ने पिछले क्लास में जो एक टेबल क्रिएट किया था, सेम इसी तरह हम लोगों ने अलाइनमेंट किए थे, और उसकी जो आउटपुट था, जो कि जो भी उसकी आउटपुट था, मान लो इसको कैसे करेंगे और इसको कैसे करेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मैं आपको ये छोटी सी एक टास्क दे रहा हूँ। ये तो मैंने दो चीज़ यहाँ पे ऐड करी है, नेविगेशन की के बारे में हम लोग कैसे लिंक जैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताया हुआ है। आपको एक सिंपल टास्क मैं दे रहा हूँ, आप जो कि ये F1 F2 को एक कस्टमाइज कीजिए, जैसे ऐसे हो जाए आपकी साइड, जैसे एकदम से ऐसे हो जाए। ओके, तो मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ, आप कंप्लीट कीजिए। आप उसे अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको ये कंप्लीट करके दूंगा। ओके, अगर हो जाता है तो बहुत फाइन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये टास्क जरूर कंप्लीट करो, उसे अच्छी तरह से रीड करो, जो कि आपको इसे टास्क को कंप्लीट करने में आपको आसान होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।